नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने इंग्लिश की एक वोकेबुलरी सीरीज शुरू की है दोस्तों, तो उसी को दोस्तों आज हम आगे बढ़ाते हैं और उसी का पार्ट टू मैं आज आपके लिए कुछ और वर्ड्स लेके आया हूँ और उन शब्दों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक बार मैं कल वाले शब्द एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट, दो मिनट में एक बार देख लेते हैं उन सभी शब्दों को। एक बार हम देखें दोस्तों, कल सबसे पहला वर्ड अपन ने पढ़ा था बाइसिकल फॉर टू और मोर पीपल, तो उसे अपन ने नाम दिया था दोस्तों टमटम गाड़ी, यानी टैंडम नाम दिया था। तो पहला वर्ड टैंडम था और दूसरा वर्ड था कि उन दो या दो से अधिक उन लोगों के समूह को क्या कहते हैं जो निर्णय देने का काम करते हैं, डिसीजन देते हैं, वर्डिक्ट कहते हैं, तो उसको ज्यूरी कहते हैं। तीसरा आपका वर्ड था ब्रीफ शॉर्ट स्टे, आपका स्टे होता है कहीं पर, आप थोड़े बहुत समय के लिए रुक जाते हैं तो उसे सजर्न कहते हैं, आपका वर्ड था। तीसरा आपका वर्ड है ब्रॉड रोड, कि एक ऐसा रोड जिसके दोनों तरफ आपके पेड़ ही पेड़ हो, तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, बाल वेड कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस, यानी वह स्थान जहाँ पे आप एयरप्लेन्स वगैरह रखते हैं तो उसे हैंगर कहते हैं अपन दोस्तों। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्या, बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके जो दर्शक होते हैं उनको बिठाया जाता है, तो ऑडिटोरियम वो होता है, ठीक है। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ इज फादर, एक बच्चे का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद होता है तो उसे मरणोपरांत कहते हैं, पोस्थ्यूमस कहते हैं। अगला आपका वर्ड है क्लर्क्स ऑफ स्लेव्स, यानी दासों का जो समूह होता है उसे कोफले कहते हैं अपन, ठीक है। अगला वर्ड है ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जैसे जो गुच्छे टाइप का होता है, रिंग टाइप का जो फ्लावर्स होते हैं उसके कलेक्शन को अपन रैथ कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अ डैन ऑफ द स्मॉल एनिमल, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको पिंजरे में रखा जाता है उसको हच कहते हैं अपन। एक ऐसी बीमारी जो एक ही समय में बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर लेती है उसको अपन एपिडेमिक कहते हैं। एक ऐसी बीमारी जो टच करने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है उसे कॉन्टाजियस यानी संक्रामक बीमारी कहते हैं। आँखों के डॉक्टर को दोस्तों ऑप्थमोलॉजिस्ट कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर को दोस्तों पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ड्रामेटिक जो परफॉर्मेंस होती है वो मास्क कहलाता है। ट्रांसपेरेंस जो आपकी पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, वो ट्रांसपेरेंस कहलाती है। सिमिली आपका होता है कि दो ऐसी चीज़ों में तुलना जो अलग अलग हो उसमें उसको अपन सिमिली कहते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्बिट होता है जो अर्थ से आपका कॉन्टैक्ट स्थापित करता है। एलमनस का मतलब होता है एक्स स्टूडेंट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल। उसके बाद में आपका होता है दोस्तों क्वाड्रप्ट, यानी चार पैरों का जो जानवर होता है उसे हम क्वाड्रप्ट कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमारे कल वर्ड हो गए थे शायद, आज हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वर्ड। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, ये जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए सिलेक्टेड वर्ड्स है। मैं सिलेक्टेड वर्ड्स की लिस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आप लोग इन सभी शब्दों को अपने नोटबुक में नोट करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, और मेरा आपसे विचार ये रहेगा कि आप इसको कॉपी में नोट करें। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है a four wheeled carriage फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट। आपने देखा होगा दोस्तों बचपन में जो गांव में वगैरह जो होते थे, आजकल तो क्या है कि चलो बहुत सारे टेक्निक आ गई हो, बचपन में क्या होता था गांव में, क्या होता था कि जो एक जो बच्चा होता था उसको पैरों के बल चलाने के लिए एक चार पैरों की विशेष गाड़ी बनाई जाती थी, और उस गाड़ी को क्या होता था कोई व्यक्ति जो होता था वो धक्का देता था, ठीक है। तो उस गाड़ी के बारे में पूछ रहा है कि फोर व्हील्ड कैरिज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको अपन कहते हैं प्राम। क्या कहते हैं? प्राम। अब ये प्राम को हिंदी में क्या कहेंगे, तो दोस्तों प्राम का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों बच्चे की गाड़ी, यानी बच्चे का ठेला, यानी बच्चा गाड़ी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? बच्चा गाड़ी। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? बच्चा गाड़ी कहते हैं प्राम को। क्या कहते हैं दोस्तों? बच्चा गाड़ी। तो पहला है आपका अ फोर व्हील्ड कैरिज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट, ठीक है, जो पैरों से पुश किया जाता है उसे अपन बच्चा गाड़ी कहते हैं। इंग्लिश में इसको अपन वन वर्ड में क्या बोलेंगे दोस्तों? प्राम, PRAM, प्राम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, 22, अ गेम इन विच नो विंस। कभी कभार आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे उसमें कभी कभार कोई सी भी टीम नहीं जीतती है,
ठीक है, ना तो ए जीतता है ना बी जीतता है, तो उसको कहते हैं अनिर्णायक स्थिति, उसको अपन क्या कहते हैं, बेनतीजा भी आप कह सकते हैं, बेनतीजा। तो उस बेनतीजे को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रॉ। तो ड्रॉ का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों बेनतीजा, बेनतीजा। तो दोस्तों बेनतीजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ड्रॉ बोलेंगे। कभी कभार आप बोलते होंगे कि यार ये मैच तो ड्रॉ हो गया, ड्रॉ का मतलब क्या हो गया, ना तो ए जीता ना बी जीता, मतलब कोई भी टीम उसमें नहीं जीतती है, उस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं, यानी बेनतीजा होता है। तो अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी नहीं जीतता है। 23rd बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसके आप स्टार लगा लेना, बहुत ही प्यारा वर्ड है। अ जनरल पार्डन ऑफ द ऑफेंडर्स, जो भी कोई मान लो एक अपराधी होता है, उस अपराधी को एक समाधान जो दिया जाता है, उस समाधान को क्या कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी अ जनरल पार्डन, पार्डन का मतलब होता है दोस्तों समाधान, ठीक है। तो उस पार्डन को क्या कहते हैं, उस समाधान को क्या कहते हैं, तो दोस्तों समाधान को कहते हैं अमनेस्टी। क्या कहते हैं, अमनेस्टी। तो दोस्तों इसका भी अर्थ हो जाएगा समाधान, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, समाधान। जैसे आपके अभी आपके निर्भया के जो कातिल है, जो आपके रेपिस्ट है, उनको फांसी की सजा मिल गई है, तो उन्होंने क्या है कि दया याचिका लगाई है। अगर मान लो उनकी दया याचिका मंजूर हो जाती है, तो उन्हें क्या मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, यानी उनको अमनेस्टी मिल जाएगा। तो अमनेस्टी का मतलब दोस्तों सिंपल सा वर्ड है, अमनेस्टी का मतलब होता है समाधान। अगला वर्ड देखिए, बहुत ही प्यारा वन वर्ड है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अ जियोमेट्रिकल फिगर, जियोमेट्रिकल का मतलब होता है दोस्तों ज्यामितीय आकृति। जियोमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है, ज्यामितीय आकृति। एक ज्यामितीय आकृति जिसके 8 आपके साइड होते हैं, यानी 8 कोने होते हैं, यह मान के चलो आप, तो उसे कहते हैं अष्टभुज। जैसे 3 कोने को तो अपन क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, यानी जिसके 3 भुजा हो, तो इसके 3 कोने होते हैं, तो उस 3 कोने वाले को क्या बोलते हैं, अष्टभुज। क्या बोलते हैं, अष्टभुज या अष्टक कहते हैं। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑक्टागोन। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑक्टागोन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अष्टभुज। ऑक्टागोन क्या होता है दोस्तों, अष्टभुज होता है आपका। क्या होता है दोस्तों, अष्टभुज होता है। देखिए सिंपल सा वर्ड है, अ जियोमेट्रिकल फिगर, यानी एक ज्यामिति आकृति विद 8 साइड्स, जिसके 8 छोर होते हैं, जिसके 8 प्रकार के कोने होते हैं, तो दोस्तों उसको ऑक्टागोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्टागोन कहा जाता है। देखिए दोस्तों ऑक्टा जो वर्ड है, इस ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। ऑक्टा, ऑक्टा से वर्ड बना हुआ आपका ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब 8, ठीक है। तो आपका ऑक्टागोन का मतलब होता है अष्टभुज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपन 25 पे। देखिए अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ऑफिशियरी, जो अधिकारी होते हैं एक प्रकार से, यानी सरकार का वह रूप जिसमें शासन सरकारी लोग चलाते हैं, तो उसे अपन कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों नौकरशाही। तो दोस्तों ये कई वर्ड है आपका, मैं आपको 2-4 वर्ड बता देता हूं ऐसे ओरली। जैसे रन बाय पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो उसको कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और जहां पे जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, जो नेता लोग होते हैं, नेता लोगों के जो आपके पीए होते हैं, जो अफसर्स होते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं। वो क्या होते हैं आपके, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आपके नौकरशाह होते हैं। और वो जिस तंत्र को चलाएंगे वो ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों हम, ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाह। जैसे एक आपकी होती है एरिस्टोक्रेसी, एक वर्ड आपका क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी होता है। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, मतलब जो कुलीन प्रकार के लोग होते हैं वो जब शासन करते हैं तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एक आपका जैसे आपका होता है मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन, तो उसे मोनार्की कहते हैं। उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नौकरशाही, जहां पे अधिकारी लोग वगैरह जो होते हैं वो शासन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स का मतलब होता है कि एक, कई बार आपने देखा होगा कुछ लड़कियां होती है जो एक साथ कई एक ग्रुप में होती है, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उस ग्रुप को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों बीवे। क्या बोलते हैं, बीवे। बीवे को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो दोस्तों बीवे का मतलब होता है लड़कियों का समूह। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, लड़कियों का समूह।
यानी जब दो चार लड़कियां एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उस इकट्ठे होने वाले ग्रुप को एक वर्ड में क्या कहा जाता है, विवे कहा जाता है। अगला आपका वर्ड है अ ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, बहुत अच्छा वर्ड है, यानी तीन शक्तिशाली लोगों का समूह क्या कहलाता है, तीन शक्तिशाली जो लोग होते हैं उनका समूह आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो उनका समूह आपका आपका कहलाता है, देखिए उसको कहते हैं ट्रियम्विरेट। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रियम्विरेट। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है ट्रियम्विरेट। अभी ट्रियम्विरेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ट्रियम्विरेट को हिंदी में बोलते हैं तीन शक्तिशाली लोगों का समूह, तीन शक्तिशाली लोगों का समूह उसे कहते हैं ट्रियम्विरेट। आप लोग हिंदी को थोड़ा कम याद करना दोस्तों, डायरेक्ट वर्ड को इंग्लिश में बोलो। सिंपल सा वर्ड पूछ रहा है कि तीन पावरफुल लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पर्संस, तो सिंपल सा आपका हो जाएगा आंसर ट्रियम्विरेट। लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, विवे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अ गाइड पोस्ट पॉइंटेड आउट द वे ऑफ फॉर ए प्लेस, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसके बारे में भी दोस्तों हम देखते हैं ये कैसा वर्ड है। देखिए दोस्तों आपका है 28, देखिए 28 में देखिए दोस्तों आप, अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, यानी एक गाइड पोस्ट जो पॉइंट आउट करता है द वे फॉर अ प्लेस उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको फिंगर पोस्ट कहते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो फिंगर पोस्ट का मतलब होता है मार्गदर्शक पद। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिंगर पोस्ट का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक पद। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी याद नहीं करनी, सिंपल सी बात है, अ गाइड पोस्ट, एक गाइड पोस्ट होती है जो पॉइंट आउट करती है द वे फॉर अ प्लेस। इसको सिंपल सी बात आप क्या कह सकते हो, अपन कभी कभार घूमने जाते हैं ना, तो जो गाइड, जो मान लो कभी क्या आमेर घूमने गए आप जयपुर में, तो आमेर के लिए आपने मान लो आप जानते नहीं, तो वहाँ पे आपने गाइड कर लिया जो आपको बताएगा कि ये 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 कि ये यहाँ ये यहाँ, तो वो आपको वो जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट आपके क्या कहलाती है, फिंगर पोस्ट कहलाती है। सिंपल सी बात है, उस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिंगर पोस्ट कहते हैं। अगला देखिए, अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, बहुत लगातार आपके जो बारिश होती है, बारिश होती ही रहती है, कंटिन्यूस होती ही रहती है, तो दोस्तों उसे कहते हैं डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है दोस्तों मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा। डाउनपोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूसलाधार वर्षा होता है, या बहुत ही निरंतर वर्षा भी आप इसको कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन का मतलब क्या होता है, डाउनपोर होता है। डाउनपोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, निरंतर वर्षा या मूसलाधार वर्षा। अगला देखिए, अ ह्यूमर ड्रॉइंग, अ ह्यूमरस ड्रॉइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, बहुत प्यारा वर्ड है, इसकी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए ये है क्या, मैं समझा देता हूँ, अ ह्यूमरस ड्रॉइंग, एक हास्यास्पद ड्रॉइंग विद करंट इवेंट, जो करंट इवेंट यानी समसामयिकी घटनाओं के ऊपर आधारित होती है, या समसामयिकी राजनीतिक घटनाओं के ऊपर आधारित होती है, उसे हास्यास्पद चित्र को क्या कहते हैं। तो देखा होगा कभी कभार आपने अखबारों में जो भी कोई मान लो जैसे कोई मुद्दा आ जाता है, CA मान लो CAA आ गया, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, तो उसको मान लो अब उस पर कोई व्यंग्य कर रहा है, तो वो व्यंग्य क्या करेगा, चित्र के माध्यम से करेगा, तो उस चित्र में कुछ ऐसा करेगा जो व्यंग्यात्मक होगा, तो उस चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस चित्र को कहते हैं कार्टून। क्या कहते हैं, कार्टून। और इससे इसको बनाने वाले को कहते हैं कार्टूनिस्ट, इसको बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टूनिस्ट, जो व्यंग्य चित्र बनाता है, हास्यास्पद चित्र बनाता है, ह्यूमरस ड्राइंग बनाता है, और ह्यूमरस ड्राइंग किस पे बनाएगा, करंट इवेंट पे या पॉलिटिक्स पे बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्टून बोलेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है अ जिक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एक्जिक्युलर यानी जिक्युलर का मतलब वही होता है हास्यास्पद व्यक्ति, एक्जिक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, जो एक जो आपके पूर्वाग्रह होते हैं अम्यूजिंग के, उससे ग्रसित रहता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों वेग। क्या कहते हैं उस व्यक्ति को, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वेग। तो वेग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वेग का शाब्दिक अर्थ होगा आप इसे कह सकते हैं दोस्तों ठिठोला। क्या कह सकते हैं,
ठिठोला, जो ठिठोले टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो मतलब जो हंसने में ज्यादा माहिर होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेक कहा जाता है, ठिठोला टाइप का व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, जब बहुत सारी मछलियां एक साथ आपके स्विमिंग करती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, शॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शॉल कहते हैं। ये वो वाला शॉल नहीं है जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं दोस्तों, कहीं आप लोग इसे वो वाला शॉल समझ लो। शॉल SHOAL, शॉल का मतलब होता है दोस्तों एक जो कई जो फिशेज होती है जब वो एक साथ स्विमिंग करती है तो उसे शॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शॉल कहा जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है, इसलिए अपन इसे अपन कहते हैं मछली समूह। इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मछली समूह कहते हैं। ये टिटोला होता है। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, लार्ज स्लीपिंग रूम्स विद मैनी बेड्स, एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें बहुत सारे सोने के बेड होते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा कमरा होता है उसमें 5-10 बेड रख दिए जाते हैं जिसमें अलग अलग लोग सोते हैं। जैसे आपने देखा होगा छात्रावास जो होते हैं ना, जो आपके हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि एक बड़ा होता है तो एक बड़ा टाइप का रूम होता है, उसमें 4-5 बेड आपके लगा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा शायद, कुल मिला के अस्पताल देखा होगा, अस्पताल का जो जनरल वार्ड होगा उसमें आपने देखा होगा कई बेड होते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों छात्रावास शयन कक्ष, तो इसको अपन कह सकते हैं शयन कक्ष। क्या कह सकते हैं दोस्तों, शयन कक्ष इसको अपन कह सकते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है, अ लार्ज स्लीपिंग रूम विद मैनी बेड्स, तो दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉर्मेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, डॉर्मेट्री बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका आएगा 34, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर, कहाँ गया 34, ये रहा दोस्तों अ लाइट, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों देखिए आप, तो 34 आपका है, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। आपका देखिए दोस्तों, बोट का मतलब होता है नाव, एक ऐसी नाव जो स्पेशली रेस के लिए बनाई जाती है, तो जो रेस के लिए बनाई जाती है उसको याट कहते हैं दोस्तों। याट का मतलब भी होता है दोस्तों नौका ही होता है, लेकिन जो स्पेशली रेस के लिए बनाई जाती है उसे अपन याट कहते हैं। क्या कहते हैं, याट कहते हैं, जो स्पेशली रेस के लिए बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, याट कहते हैं। 35 देखिए, अ लिस्ट ऑफ बुक्स राइटिंग्स ऑफ द ऑथर और वन सब्जेक्ट, किताबों की एक ऐसी लिस्ट एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर, एक लेखक की किताबों की ऐसी लिस्ट या उसके सब्जेक्ट की, तो उसको अपन क्या कहते हैं, बाइब्लियोग्राफी कहते हैं। देखिए दोस्तों ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना, बाइब्लियो, तो इसका मतलब आप लोग ऐसे समझ जाना वो किताब से संबंधित बात कर रहा है, किताब से संबंधित। इसी से वर्ड बना दोस्तों बाइब्लियोफाइल, बाइब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, वन हु लव्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता है। इसी से आपका वर्ड बना दोस्तों बाइब्लोमेनिया, ठीक है, जो जिसको किताब का मेनिया लग जाता है, ठीक है। तो बाइब्लियो का मतलब दोस्तों सिंपली वर्ड होता है, बाइब्लियो का मतलब होता है किताब, और ग्राफी का मतलब होता है उसका लिस्ट या उसका सब्जेक्ट। तो दोस्तों सिंपल सा वर्ड हो गया, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटर ऑफ द वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड बाइब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, आपने देखा होगा कभी कभार आप कैटलॉग होता है तो उस कैटलॉग में ये होता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। कैटलॉग किसी का भी हो सकता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में भी होता है, आप होटल में जाते हो वहाँ पे भी होता है, हर जगह होता है कैटलॉग। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे भी आपका कैटलॉग होता है, तो उस कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सूची पत्र कहते हैं। इस कैटलॉग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, सूची पत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अ लिस्ट पैसेंजर्स एंड लगेजेस, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेजेस, आप यात्रा करने जाते हैं तो जो यात्रियों और उनका जो सामान होता है उस लिस्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस लिस्ट को दोस्तों हम कहते हैं, इस लिस्ट को अपन क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेजेस, तो उसको कहते हैं दोस्तों वे बिल, इसको हिंदी में कहते हैं बिल्टी। क्या कहते हैं, बिल्टी कहते हैं दोस्तों। बिल्टी वर्ड आपने सुना होगा, कॉमन वर्ड है। तो देखिए, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेजेस, यात्रियों तथा उनके सामान की जो लिस्ट होती है उसको वेबिल कहते हैं, और वेबिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिल्टी होता है। क्या होता है, बिल्टी होता है। नेक्स्ट देखिए, अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ लो एटमोस्फियर प्रेशर, कम वातावरण दबाव की वजह से हवा का जो एक विशेष दबाव आता है उस दबाव को क्या कहते हैं, उस हवा का जो बवंडर आता है उस बवंडर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों चक्रवात।
साइक्लोन। क्या कहते हैं दोस्तों? चक्रवात कहते हैं, यानी साइक्लोन कहते हैं। सिंपल वर्ड है, ज्योग्राफिकल वर्ड है। आपके लो एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से जो विंड जो आपके चलेगी, उस विंड को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अ मैन हैविंग नो हेयर, एक ऐसा आदमी जिसके बाल नहीं होते हैं, जिसके बाल नहीं होते तो दोस्तों उसको गंजा कहते हैं, तो उसको कहते हैं बाल्ड। क्या कहते हैं? बाल्ड कहते हैं, सिंपल वर्ड है, यानी जिसके बाल नहीं होते हैं उसको बाल्ड कहते हैं। अगला आपका है अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, एक ऐसा व्यक्ति जो कम नैतिक होता है। लैक्स का मतलब होता है जो मनमाना होता है, लैक्स का मतलब होता है मनमाना। तो अ मैन ऑफ लैक्स मोरल यानी जो एक ऐसा व्यक्ति जो कम नैतिक होता है, तो उस कम नैतिक व्यक्ति को क्या कहते हैं? लिसेंटिनियस। क्या कहते हैं? लिसेंटियस। तो लिसेंटियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिसेंटियस का मतलब होता है मनमाना। लिसेंटियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मनमाना होता है। आई होप दोस्तों ये वर्ड आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये आज के 20 वर्ड्स थे दोस्तों। मैं ज़्यादा शब्द अभी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा नहीं दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसको 30 कर दूंगा इसको आने वाले एक दो दिन में। लेकिन आप लोग इन शब्दों के साथ में जुड़े रहिए, जो भी जितने भी वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वर्ड है। आप लोग अगर इन शब्दों को दोस्तों याद कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई दिक्कत होने वाली है, वन वर्ड की आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी दोस्तों। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं idioms भी लेके आऊँगा आपके लिए, आपके लिए synonyms भी लेके आऊँगा, और आपके लिए दोस्तों मैं ग्रामर के टॉपिक्स भी लेके आने वाला हूँ। आप लोग बस दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए और मिशन इंस्टीट्यूट के चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। इंग्लिश का जो भी कुछ मदद होगी इस चैनल के माध्यम से, वो दोस्तों मैं मदद आपकी पूरी करूंगा। देखिए दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं इन सभी शब्दों को। यहां से देखा था अपन ने, अ फोर व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन और फुट। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? इसको अपन प्राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राम कहते हैं, सिंपल वर्ड है। अ गेम इन विच नो विंस, जिसमें कोई नहीं जीतता उसको ड्रॉ कहते हैं। जो आपके समाधान होता है उसको एमनेस्टी कहते हैं। अष्टभुज को ऑक्टागन कहते हैं। नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। लड़कियों के ग्रुप को बीवी कहते हैं। ट्रायम्विरेट आपका जो पावरफुल लोगों का जो ग्रुप होता है उसका ट्रायम्विरेट कहते हैं। फिंगर पोस्ट का जो मार्गदर्शक जो पोस्ट होती है उसको फिंगर पोस्ट कहते हैं। डॉनपुर आपको पता है, डॉनपुर का मतलब मूसलाधार बारिश या निरंतर बारिश। कार्टून का मतलब जो व्यंग्याचक व्यंग्यात्मक हास्यात्मक चित्र जो पेंटिंग होती है उसको कार्टून कहते हैं। वेग का मतलब आपको पता है, जो एक जिक्यूलर टाइप का टिटोला टाइप का जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं। मछलियों का जो ग्रुप आपस में जब तैरता है साथ साथ उसको शॉल कहते हैं। डॉर्मेट्री का मतलब जब कई जो बेड होते हैं रूम में बिछा दिए जाते हैं उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। जो आपके रेस के लिए जो नाव होती है उसको यार्ड कहते हैं। बाइब्लियोग्राफी होती है, जो लिस्ट ऑफ बुक्स जो होती है उसको बाइब्लियोग्राफी कहते हैं। कैटलॉग आपका सिंपल सा वर्ड है, लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, ठीक है। और जो आपके पैसेंजर्स और जो लगेज की जो लिस्ट होती है, जो उसका जो लिस्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बिल्टी कहते हैं। और जो हवा का जो लो एटमोसफियर से जो आपका हवा चलता है उसको साइक्लोन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार देखा हमने, ये सारे वर्ड आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।